हाय फूडीज, कैसे हैं आप? कुक विद फूडीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र और गुजरात की फेमस स्नैक्स भाकर वड़ी बनाएंगे। वैसे तो समय समय पर इसमें बहुत से वेरिएशन हुए हैं। हम आलू की भाकर वड़ी बनाएंगे, जो देखने में तो सुंदर होती ही है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं आलू की भाकर वड़ी बनाना। भाकर वड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 250 ग्राम मैदा ली है, इसको छान के रख लिया था, एक बाउल में डाल लेते हैं। अब इसमें एक छोटा चम्मच हम नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मोइन डालेंगे, ये 4 बड़े चम्मच है जो 60 ml है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छे से ये मिक्स हो गया है, अब इसकी एक मुट्ठी बना लेंगे और दबाने से हम तोड़ेंगे। अगर ये दबाने से टूटती है तो हमारा मोइन बिल्कुल परफेक्ट है, अगर मुट्ठी नहीं बनती है तो मोइन कुछ कम है तो हम एक छोटा चम्मच और डाल सकते हैं। अब इसमें हम गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और जैसा हम पराठे का आटा बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही सॉफ्ट डो इसका तैयार कर लेंगे। देखिए, अब हमारा डो तैयार हो गया है, हमें इतना ही सॉफ्ट डो तैयार करना है। अब इसको हम गीले कपड़े से या प्लेट से ढक के 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये हमने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, उनको ग्रेट कर लिया था। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा मिर्च कर सकते हैं, अमचूर पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच जो हमारा घर का बना हुआ है, और चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट भी डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे आलू को बाइंड करेगा। अब हमारी स्टफिंग तैयार है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं, हमारा डो भी सेट हो गया है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। अब इसको हम एक दो बार और चिकना कर लेंगे। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे, जैसे हम पराठे का बनाते हैं उतने बड़े बड़े इसके पेड़े बना लेंगे। देखिए, हमने बड़े बड़े 4 पेड़े बना लिए हैं और बाकी को हम ढक के रख देंगे जिससे वो सूखे नहीं। अब इसकी हम बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, ना बहुत हमें मोटी बेलनी है और ना बहुत पतली बेलनी है, जैसे हम पराठा बेलते हैं बिल्कुल वैसा ही बेलेंगे। देखिए, हमारा पराठा जैसा बिल्कुल बड़ा सा तैयार हो गया, ये हमें इतना ही पतला रखना है, इसको बेलना है। अब इसके ऊपर जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी उसको भी 4 पार्ट में करके एक पार्ट हम इसके ऊपर रख के और बिल्कुल पतला सा स्प्रेड कर देंगे पूरी रोटी पे। अब हमने आलू इस पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, हमें बिल्कुल आलू की पतली सी लेयर लगानी है, इसके चारों तरफ हमने थोड़ा सा छोड़ दिया है, वहां पे हमें आलू नहीं लगाना है। अब इसके चारों तरफ हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगा जब हम रोल करेंगे। अब इसको हम इधर से उठाते हुए ऐसे रखेंगे और फिर बिल्कुल पतला धीरे से रोल करते चले जाएंगे एंड तक, और हल्के हाथ से दबाते जाएंगे जिससे वो आपस में चिपकता चला जाए, और एक दो बार ऐसे ही हम बेल लेंगे। हल्के हाथ से हमें बेलना है। देखिए, हमारा रोल तैयार है और इसके एजेस को हम अंदर दबा के इसको बंद कर देंगे। अब हमारा ये रोल तैयार है, अब इसको एक एक सेंटीमीटर पे हम कट कर लेंगे। थोड़ा सॉफ्ट होता है तो इसको हम धीरे धीरे कट करेंगे। अब हमारा पूरा रोल कट के तैयार है, अब इसको हम एक आपको निकाल के दिखाते हैं। आलू है तो आलू की वजह से थोड़ी सी चिपक गई है, इसको साइड से निकाल के देखिए कितनी सुंदर हमारी भाकर वड़ी बनी है। ऐसे ही हम सारी भाकर वड़ी बना लेंगे। हमने सारी भाकर वड़ी बना के रख ली है। अब एक बोल में हम 2 से 3 चम्मच मैदा लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक पतली स्लरी बना लेंगे।
और इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए जिससे आपको हमारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखिए, अब हमारी स्लरी भी बनके तैयार है। हमें इतना ही पतला घोल रखना है इसका, मैदा का। अब हमने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है और जो हमने भाकर बड़ी बना के रखी थी उसको हम इस घोल में दो तीन डाल देते हैं और एक फॉक से हम भाकर बड़ी को उठाएंगे तो जो एक्स्ट्रा घोल होगा वो नीचे गिर जाएगा और इसको हम तेल में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जो आलू की स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी और बहुत अच्छे से हमारी भाकर बड़ी तैयार होगी। ऐसे ही हम सारी भाकर बड़ी घोल में डाल डाल के इसमें डाल देंगे तेल में। इसको हम बहुत धीमी आंच पे नहीं डालेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही डालेंगे और इसको धीरे से हम पलट लेंगे और फिर धीमी आंच पे हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया भाकर बड़ी का और धीमी आंच पे पकते पकते बिल्कुल अंदर तक करारी बनी है। इसको हम जाली पे निकाल लेते हैं और ऐसे ही हम सारी भाकर बड़ी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, इसको आप गर्मा गर्म है, चाय है, कॉफी है, बच्चों की बर्थडे पार्टी या किटी पार्टी में एक अच्छे स्नैक के रूप में आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको खट्टी चटनी है, टमाटो सॉस है या खट्टी मीठी इमली की चटनी किसी के साथ भी सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और सभी चटनियों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आपको हमारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप हमको अदर प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।